नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्येंदु मंडल। मेरा यूट्यूब चैनल सिर्फ स्टॉक ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। मैंने ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी लाइव मार्केट दिखाऊंगा। इसमें मैंने निफ्टी एनालिसिस, स्टॉक एनालिसिस और कोई भी स्क्रिप्ट में मैंने कमोडिटी भी दिखाने का कोशिश करूँगा। तो मेरा स्ट्रेटेजी कैसे काम करता है और इसे कैसे स्ट्रेटेजी है, तो ये आप लोग को दिखाऊँगा। तो वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए। और बाय सेल लेवल से मेरा एक्सेल शीट से भी मेरा बाइंग सेलिंग लेवल्स दिखाऊँगा, वो भी कैसे काम करता है वो भी दिखाऊँगा। तो वीडियो आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अंत तक जरूर देखिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसका नोटिफिकेशन आप लोग को रेगुलर बेसिस पे मिल जाएगा। इसके अलावा मैंने मार्केट एनालिसिस, निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस, स्टॉक एनालिसिस करता हूँ और उसमें चार्ट एनालिसिस करता हूँ और बाइंग सेलिंग लेवल्स भी देता हूँ। इक्विटी निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल्स देता हूँ नेक्स्ट ट्रेड करने के लिए, तो भी आप लोग जरूर देखिए। और स्टॉक मार्केट रिलेटेड न्यूज़ भी अपडेट करता हूँ, तो इस सब का नोटिफिकेशन आप लोग को रेगुलर बेसिस पर मिल जाएगा और आप लोग को देखने से ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा। और इसके अलावा मेरा चार्ट का मेरा यूट्यूब चैनल पे बहुत सारा चार्ट का स्ट्रेटजी है, सेटअप्स है, जो आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। बहुत सारा मेरा यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर देखें, इसमें आप लोग को बहुत सारा इंपॉर्टेंट वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। और जो कुछ भी नहीं है, बहुत सारा वीडियोस और टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बना हुआ है, उसमें से आप लोग जो ढूंढ रहा है वो आप लोग ढूंढ सक चैनल पेज पे आके सर्च कर सकता है, वो मिल जा सकता है। और मेरा यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में ट्रेनिंग मॉड्यूल दिया हुआ है, बहुत ही कम कॉस्ट में आप लोग को बहुत सारा चीज़ सीखा जाएगा, जो 10 गुना 20 गुना 30 गुना ज़्यादा खर्च करके भी किसी जगह नहीं मिलेगा। और ऑनलाइन ट्रेडिंग करने के लिए बेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का जरूरत होता है, जिसमें बहुत सारा फैसिलिटीज़ रहता है, ब्रोकरेज भी कम होता है। तो उसमें से तो मेरा यूट्यूब चैनल का डिस्क्रिप्शन में, यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में एंजल बुकिंग, आस्था ट्रेड, एलिस ब्लू, अपस्टॉक्स का लिंक दिया हुआ है, इसमें से वो सब फैसिलिटीज़ है। और आप लोग मेरा लिंक से ज्वाइन होंगे तो आप लोग को मेरी तरफ से भी आप लोग को बेनिफिट दिया जाएगा। तो देखिए, मैंने निफ्टी पहले निफ्टी इंडेक्स का ये जो इंडेक्स है फ्यूचर्स का, ठीक है, ये फ्यूचर्स का लेवल्स दिखाता हूँ, सेम ही है, आप लोग देख सकते हैं इधर से सेम चलता है, ये 12,868, इधर भी 12,868, ठीक है। तो ये निफ्टी फ्यूचर का पहले लेवल दिखाता हूँ मैं। देखिए, इधर से ये नीचे का जो ये लेवल है, ये पहले तो इसका देखिए इसका ट्रेंड डाउन थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में है। ये जो रेड लाइन दिखा, ये वॉल्यूम स्प्रेड है, ठीक है, ये जो रेड लाइन है 15 मिनट का चार्ट में, ये रेड लाइन, ये ग्रीन लाइन का रेड लाइन नीचे है, ऊपर है, रेड लाइन नीचे है, ठीक है। और इसके साथ ही मैंने आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से जरूर देखिए, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन पूरा वीडियो देखिए तो आप लोग को पता चलेगा पूरा चीज़। देखिए, इधर से जो ये जो रेड वाला शैडो दिख रहा है, ये भी एक ये भी इंडिकेट कर रहा है, ये इसका नीचे का है। इसका मैंने MACD RSI का पोजीशन भी देख लेता हूँ। ध्यान से जरूर देखना, मैंने धीरे धीरे दिखाने का कोशिश करूँगा, ठीक है। और इधर से देखिए, ये जो RSI, ये RSI का ये लगारी RSI है, ठीक है, ये भी इसका ये जो अपर अप साइड में था, ये लोअर साइड में आ रहा है। ये जो ब्लू लाइन ये है, मतलब इसका मतलब ओवरसोल्ड जोन है, और ये नीचे वाला लोन है, ये ये ओवरबॉट जोन है और ओवरसोल्ड जोन है। और ये जो छोटा छोटा बार दिख रहा है, ये RSI का लाइन है, ये RSI अभी 60 के में चल रहा है, अप साइड में है, लेकिन इधर से आप लोग देख सकते हैं ये नीचे से आके, ये नीचे ऊपर से आके ये नीचे आया है, ठीक है। तो इसका नीचे जाने का थोड़ा प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा दिख रहा है इधर से। और MACD को एक बार देख लेते हैं, MACD का
जो हिस्टोग्राम है ये थोड़ा सा जीरो लाइन पे ही है थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा इसका मैंने, और इधर से जो इधर से क्या क्या चीज़ देखना पड़ेगा देखते हैं। इधर से देखिए ये जो प्राइस चैनल का है लाइन, ये प्राइस चैनल का लाइन है, ये अभी तक इसका ये जो पिंक कलर का लाइन है ये प्राइस चैनल का लाइन है, ये अभी तक इसका नीचे है और अभी तक इसका ऊपर रहता है, ठीक है। तो इसका एक मिनट, सब ठीक ही है। इसका अभी थोड़ा सा देखिए ये नीचे का आ रहा है, ये जो इधर से ये इतना तक अभी ये आ सकता है, 12843 तक ये नीचे का आशा आने का प्रोबेबिलिटी बनता है, इसका 12843 तक नीचे का आने का प्रोबेबिलिटी बनता है। इधर से 12864 का नीचे ये नीचे आ सकता है, 12843 तक अभी ये नीचे आने का प्रोबेबिलिटी इसका बनता है, और इधर 12873 के ऊपर ये ऊपर जा सकता है 12895 तक, ठीक है। अच्छा और ये इसका नीचे क्लोजिंग दे देगा तो 12864 का नीचे एक बार क्लोजिंग आ जाएगा तो इसका पहला ये आ सकता है, ये 12843 इसका नीचे ये आ सकता है 12833, ठीक है। अच्छा इधर से लेवल्स और भी अच्छे से नज़र आ रहा है, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ इसका। अच्छा बैंक निफ्टी का दिखाता हूँ, बैंक निफ्टी का क्या पोजीशन है, बैंक निफ्टी का जो है बैंक निफ्टी का देखिए थोड़ा सा ये अपसाइड का ट्रेंड में है, ट्रेंड इसका थोड़ा सा बैंक निफ्टी का अपसाइड में दिख रहा है। निफ्टी भी ऐसा नहीं कह जा सकता कि निफ्टी पूरा डाउन ट्रेंड में है, लेकिन आप लोग देखा है थोड़ा सा वो जो मूविंग एवरेज का अपसाइड का जो ट्रेंड लाइंस है वो सब का थोड़ा सा नीचे दिख रहा है इसका। अच्छा इसका बैंक निफ्टी का देखिए 29499 के ऊपर, ये 29499 के ऊपर 552 इसका ऊपर 592 इसका ऊपर 29700 इसका अपसाइड में जा सकता है, और नीचे आएगा तो इसका इसका नीचे मतलब 29434 का नीचे 434 का नीचे पहले ही आ सकता है 29335, इसके बाद 29295, इसके बाद 29236, उसके बाद 29116, 29043, 28929, 28816, 28816, 28728, 28613, ये सब लेवल्स नीचे का लेवल्स इसका मिल सकता है, ठीक है। अच्छा मैंने तीनों स्टॉक्स का दिखाऊंगा। अच्छा पहले सिल्वर का एक लेवल दिखा देता हूँ कमोडिटी का, आप लोग ज़रा याद रखिए क्या क्या मैंने लेवल बताता हूँ, उसके बाद आप लोग को जब मूवमेंट आएगा आप लोग को देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अच्छा ये 63090 के ऊपर सिल्वर 63090 के ऊपर 63269 जा सकता है, ठीक है 269, उसके बाद 63524 तक जा सकता है, और नीचे 62910 के नीचे 62910 के नीचे 63090 62910, ठीक है 62910 के नीचे 62688 आ सकता है, उसका नीचे 62573, इसका नीचे 62484, 62330 आ सकता है। अच्छा मैंने कुछ स्टॉक्स का दिखाता हूँ, हीरो मोटो का दिखाता हूँ, इसके बाद मैंने बाइंग सेलिंग लेवल एक्सेल शीट से भी आप लोग को लेवल्स दिखाऊंगा। हीरो मोटो का देखता हूँ, हीरो मोटो का देखते हैं,
हीरो मोटो का जो देखना है, हीरो मोटो का 29, हीरो मोटो का एक्चुअली मैंने 5 मिनट का चार्ट देखता हूँ, क्योंकि ये 15 मिनट का चार्ट में थोड़ा सा दूर दूर रहता है, लेवल नहीं भी आ सकता है, तो इसका थोड़ा सा इसीलिए ऐसा लेवल सेम रहता है। ऐसा नहीं है कि लेवल्स का कुछ, लेवल्स ये 29,043 का नीचे ही, 29,000 सॉरी 2943 का नीचे ये नीचे जाएगा, और नीचे जाएगा नीचे जाएगा, तो इसका नेक्स्ट लेवल आ सकता है 29,013। और ये अपसाइड में इसका 2970 के ऊपर ये ऊपर जा सकता है, अपसाइड में 2994 तक ये जा सकता है हीरो मोटो, ठीक है। अच्छा, और दिखाऊंगा हीरो मोटो, बजाज फिनांस को दिखाता हूँ। बजाज फिनांस का दिखाता है, देखना पड़ेगा। अच्छा, ये बजाज फिनांस 4623 है, चल रहा है 4623 का 0.51, इसका नीचे ये जा सकता है, सॉरी हाँ 4623, हाँ 4623.51 का नीचे ये नीचे जा सकता है 4575, ठीक है। और इसका नीचे ये 4495, 4431, ऊपर 4678 के ऊपर, 4678 के ऊपर ये 4732 जा सकता है, ठीक है। हीरो मोटो का लेवल दिखाया, और सोच लीजिए बीपीसीएल को एक बार दिखा देता हूँ। बीपीसीएल 4623.50, मतलब 4623 का नीचे जाना पड़ेगा इसका। और हीरो मोटो को कितना लेवल दिखाया, हीरो मोटो का 2970 और 2943, 2970 अप साइड में और 2943 नीचे का लेवल, ठीक है। अच्छा, और सिल्वर का मैंने लेवल दिखाया 62,000, 63,000, 90 और 62,900, 910 शायद, 910 का नीचे, ठीक है। ये सब आप लोग याद रखिए, बाद में आप लोगों को दिखाऊंगा। हीरो कोई भी स्क्रिप्ट में मैंने दिखा था, दिखा सकता हूँ, कोई भी स्क्रिप्ट में ये काम करेगा। और इसमें और सोच लीजिए बीपीसीएल एक्चुअली मूवमेंट ज़्यादा होता है, तो इसीलिए ज़्यादा जांच कुछ ज़्यादा हो रहा है, तो इसीलिए उसको दिखाना चाहूँगा बीपीसीएल का। बीपीसीएल का क्लियरली डाउन ट्रेंड में है, और प्राइवेटाइजेशन की वजह से ये 500 से ये 396 97 का लेवल पे आ गया है ऑलरेडी, 378 में चल रहा है, ठीक है। ये देखिए, इसमें 377 का नीचे ही नीचे आएगा, 372 तक आ सकता है, और आप साइड में इसका 381 का, 381.90, 381, 381 का ऊपर, मतलब 381 नहीं 382 का ऊपर ये जा सकता है, 386 तक ये अपसाइड में जा सकता है, ठीक है। कुछ भी स्क्रिप्ट आप लोग देख सकता है, मैंने ये स्क्रिप्ट दिखा है, इसके पास देखता है, ऑब्जर्व कीजिए आप लोग। निफ्टी का तो नीचे आने का दिखा नहीं, अपसाइड, ये अपसाइड में दिखा रहा है, थोड़ा सा अपसाइड में चला गया है।
ट्रेंड देखिए, ये ट्रेंड बीच में ट्रेंड है, इसका अभी तक ऐसा नहीं कहा जा सकता कि पूरा डाउन ट्रेंड में आ गया है, क्योंकि ये सब ये जस्ट मिडिल पॉइंट में है। इसका थोड़ा सा अपसाइड भी कह जा सकता है। इसका देखिए, इसका 894 के ऊपर ये ऊपर जा सकता है, 12,907, ठीक है, 894 का नीचे, ठीक है, और नीचे ये 873 का नीचे ये 843 तक ये आ सकता है। बैंक निफ्टी का कौन सा लेवल बताया आप लोग को? देखते हैं। हाँ, बैंक निफ्टी थोड़ा सा 499 के ऊपर ना, 500 547 543 के ऊपर ये 29,700 तक ये जा सकता है, ठीक है। तो देखते हैं, निफ्टी 894, ठीक है, सिल्वर को भी देखते हैं। सिल्वर 910 का नीचे आएगा तो इसका नीचे आ सकता है। हीरो मोटो 43, ठीक है, 2943, और बैंक निफ्टी थोड़ा सा लगता है ऊपर जाएगा। और बजाज फिनांस का जो लेवल दिखाया था, फोर सिक्स टू थ्री का नीचे ये नीचे आएगा, ठीक है, देखना पड़ता है। तो मैंने थोड़ा सा वीडियो अभी, और इधर से भी मेरा चार्टिंग का सेटअप सा है, वो भी आप लोग को देखने से और भी पता चलेगा। इसका दिखा सकता हूँ तो दिखा देता है। अच्छा, इधर से देखिए 15 मिनट का चार्ट में इसका क्या दिखा रहा है। ये RSI 70 का है ऑलरेडी, ये बहुत ही ये अपसाइड में चल रहा है। इसका 29,600 का ऊपर ये ऊपर जा सकता है, 29,600 का ऊपर ये ऊपर जा सकता है, 29,600 का ऊपर, ठीक है। और निफ्टी का क्या देखता है, इधर से निफ्टी भी इधर से थोड़ा सा अपसाइड में दिख रहा है, लेकिन अपसाइड में दिख रहा है इसका, देखते हैं। और इधर से और भी चार्ट का सेटअप्स है, ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म में भी इसका देखेंगे तो और भी क्लियर अच्छा नजर आएगा। इधर से आप साइड तो दिख रहा है, इधर से देखिए ये बैंक निफ्टी का ये जो लाइन 540 का जो क्रॉस किया है, ये इतना दूर तक 825 इतना दूर तक आने का प्रोबेबिलिटी इसका बन रहा है, ठीक है। और निफ्टी का जो है, निफ्टी का अभी कुछ कह नहीं जा सकता। इसका ये नीचे का दिखा रहा है, इधर RSI कितना दिखा रहा है, RSI 62, ठीक है। इधर से इसका निफ्टी वही है 894 का ऊपर जाएगा तो ऊपर जा सकता है, 894 का ऊपर ये 929-964 तक जा सकता है। तो देखिए बैंक निफ्टी ऑलरेडी ऊपर जा चुका है। बैंक निफ्टी देखिए इधर से 597 का लेवल क्रॉस करके ये 630 के तरफ जा रहा है, 630 हो गया है, ये इतना दूर तक आ सकता है। ऐसा नहीं है कि पूरा आएगा, लेकिन इससे सोच लीजिए इतना दूर तक आ गया, 770 ये सब लेवल इसका आ सकता है।
निफ्टी का, हाँ निफ्टी अभी ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी दिख रहा है इसका, निफ्टी का अभी ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी दिख रहा है। अच्छा मैंने तो भूल गया था भाई से लेवल से भी लेवल्स दिखाने का। ये 907, 907 क्रॉस करेगा तो ये 940 तक ये जा सकता है। 907 क्रॉस किया ये 940 तक जा सकता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है पूरा टारगेट अचीव होगा, लेकिन जाने का प्रोबेबिलिटी बनता है। सिल्वर कितना दूर तक नीचे आया था, एक मिनट देख लेता है। सिल्वर 910 का नीचे 688, पहले 688 तक आ सकता है, इसका नीचे 62,330 आ सकता है, ठीक है। तो अभी 910 का नीचे ही चल रहा है, देखेंगे बाद में कितना दूर तक आने का प्रोबेबिलिटी बनता है इसका। स्टॉक्स का कुछ लेवल्स अभी तक देख नहीं रहा है। बजाज फिनांस BPCL तो 382 के ऊपर गया नहीं है, ठीक है, 382 के ऊपर गया नहीं है। और बजाज फिनांस भी अभी अपसाइड का लेवल शायद गया नहीं है, डाउनसाइड में भी आया नहीं लेकिन अपसाइड का भी गया नहीं है। आप नीचे 4623 का नीचे और हीरो मोटो 2943 का नीचे, तो कोई भी स्टॉक्स का जो चल रहा है मैंने इस लेवल दिखाने का कोशिश करूँगा। 462 4678 का ऊपर ही ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी है इसका, ठीक है। अरे बहुत दूर है अभी तक, 4623 का नीचे ये नीचे आने का प्रोबेबिलिटी बनता है। अच्छा कुछ भी देखने का कोशिश करता हूँ जो लेवल पे है एक्चुअली। BPCL का भी आया नहीं है और निफ्टी चल रहा है, निफ्टी 940 तक जा सकता है, ये भी 700 का ऊपर, बैंक निफ्टी 700 का ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी है। निफ्टी 940 तक आ सकता है और बैंक निफ्टी पहले 770 उसके बाद 825 तक जाने का प्रोबेबिलिटी इसका बनता है। देखता है वो तो अपसाइड में चल रहा है। और इधर से सिल्वर 870 तक आया था, ठीक है, देखते हैं और कौन से मूवमेंट कहाँ से हो रहा है, बात देखते हैं। स्टॉक्स कुछ ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर रहा है। बजाज फिनसर्व को सन टीवी भारती एयरटेल का एक बार देखते हैं। भारती एयरटेल नीचे का साइड में प्ले कर रहा है, ट्रेंड नीचे है तो देखते हैं। इसका 475.90 मतलब 476 के ऊपर ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो 479 और नीचे 470, इसका नीचे मतलब 472 का नीचे ये 470, हाँ 475.1 मतलब 476 के ऊपर जाना पड़ेगा एक्चुअली। थोड़ा सा स्टॉक्स का नीचे प्ले कर रहा है, देखते हैं जो लेवल्स आप लोग को दिखा। देखिए 925 आ गया है, ठीक है, मतलब सोच लीजिए टारगेट बन चुका है। इधर से आप लोग को प्रॉफिट बुक हो जाना चाहिए क्योंकि 940 सभी समय टारगेट नहीं अचीव होता है। 894 के 12,894 से 925 तक आ चुका है और बैंक निफ्टी भी इसका 29,534 से शायद 29,534 से 670 तक चल रहा है अभी।
और जैसे सिल्वर का अभी तक कुछ लेवल है, मतलब ज़्यादा दूर नीचे आ नहीं, लेकिन नीचे चल रहा है इसका। स्टॉक्स का ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो रहा है, स्टॉक्स का मूवमेंट थोड़ा सा कम हो रहा है। हीरो मोटो नहीं आ रहा है और BPCL भी नहीं ऊपर भाग नहीं पाया है। बजाज भारतीय एयरटेल 476 के ऊपर, और बजाज फिनांस अभी तक नहीं आया है। 4678 बहुत दूर है उसका लेवल। बैंक का कुछ दिखाता है, कोटक बैंक कैसे चल रहा है। बैंक का देखिए इधर, ये तो 4 का 1 8 4 का ऊपर ही चल रहा है इसका। बैंक निफ्टी और भी भागेगा तो इसका 1 8 कोटक बैंक का 1855 तक आने का एक प्रॉबिलिटी बनता है। 1855 1875 तक इसका आने का प्रॉबिलिटी बनता है। ये 1842 का ऊपर चल रहा है तो 1852 तक इसका आने का जाने का प्रॉबिलिटी बनता है। एक्सिस बैंक का देखते हैं, एक्सिस बैंक का मेरे ख्याल से और भी इसका अपसाइड मोमेंटम दिखाने का प्रोबेबिलिटी इसका बनता है। बैंक निफ्टी देखिए इधर 684 686 चल रहा है तो ये जितना दूर तक भागेगा उतना और वो भी भागेगा। एक्सिस बैंक का देखते हैं, एक्सिस बैंक 637 का, ये एक्सिस बैंक 642 तक जा सकता है, 642 के ऊपर 650 ठीक है। और HDFC बैंक तो अच्छा मूवमेंट दिखा है। HDFC बैंक देखते हैं, HDFC बैंक 1421 फर्स्टली 1421 तक पहले आ सकता है, 1421 उसके बाद 1431 तक ये जा सकता है। तो वीडियो थोड़ा सा पॉज कर लेता हूँ। देखिए ये अच्छा अभी तक गया नहीं है, 1844 चल रहा है। बैंक निफ्टी को जस्ट देखते रहिए, मैंने फ्यूचर्स से दिखाया था। देखिए बैंक निफ्टी चल रहा है 704 714, निफ्टी 932, मैंने 940 पहले बोला था ठीक है। बैंक निफ्टी 770 तक पहले जा सकता है, 825 भी जा सकता है इसका। लेकिन निफ्टी का, निफ्टी इंडेक्स का पर्टिकुलरली 12934 के ऊपर जाना मुश्किल रहेगा। ये तो फ्यूचर का है, इंडेक्स कितना चल रहा है कल जितना 825 850 का लेवल से निफ्टी रिट्रेसमेंट फिर से आ जाएगा। निफ्टी इंडेक्स देखिए 12906 चल रहा है ठीक है। ये तो मैंने फ्यूचर का दिखा रहा हूँ, तो ये सोच लीजिए कि 12934 के ऊपर उसका जाना ऑलमोस्ट, या 12950 के ऊपर जाना बहुत ही मुश्किल है। बैंक निफ्टी 29744 45 हो गया है, 770 इसका पहला लेवल है, उसके ऊपर 29825 ठीक है। अच्छा सिल्वर में कुछ अभी तक ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिखा है, 870 तक आया था, देखना पड़ेगा फिर। अच्छा हीरो मोटो का लेवल नहीं आया है। देखिए स्टॉक्स का लेवल, स्टॉक्स इतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो रहा है। इधर से देखते हैं जो बैंकिंग का स्टॉक्स दिखाया था, बैंकिंग का स्टॉक्स ये 45 ये 16 में चल रहा है, ये 42 तक आ सकता है एक्सिस बैंक ठीक है।
ये जाता जा सकता है 91.95 या 91 तक, ये देखिए 21 तक जा सकता है। HDFC बैंक 17 चल रहा है, 14 से दिखा रहा था मैंने, 17 चल रहा है, 21 दिख सकता है, ठीक है। एक्सिस बैंक 642 तक जा सकता है, ये जा सकता है, और पहले 1895 या 1891 इसके ऊपर ये इससे जा सकता है, क्योंकि 1818 हो गया है, ठीक है। इसका बैंक निफ्टी फ्यूचर देखिए 752 चल रहा है, निफ्टी देखिए ऑलमोस्ट टारगेट अचीव हो गया है, 12,939 हो गया है, 940 टारगेट था। तो इधर से चार्ट से भी आप लोग देख सकता है, चार्ट से लेवल्स कैसे अटेंड किया है वो आप लोग देख सकता है। तो आप लोग को पिक्चर और भी क्लियर हो जाएगा। देखिए इस लेवल से ये ऊपर भागा था, ठीक है, सॉरी पहले तो 800 ये लेवल जो था 12,895 मैंने बोला था, 12,894 895 इसके ऊपर 907 के ऊपर देखिए आप लोग को क्लियर सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखेगा। ये देखिए इसके बाद 940 देखिए देखिए ये 940 चला गया है, ठीक है। आप लोग को कैंडल में ये चार्ट में दिखेगा तो पिक्चर पूरा क्लियर दिखेगा आप लोग को। बैंक निफ्टी भी आप लोग को दिखा देता हूँ कहाँ से पूरा एकदम सपोर्ट रेजिस्टेंस एकदम पिक्चर के तरह क्लियर दिखेगा आप लोग को। तो देखिए इधर 29,597 के मैंने ऊपर बोला था, 29,597, ठीक है, 770 के ऊपर ये जो 770 को ये 810 तक ये आ सकता है, तो ऑलरेडी ये आ चुका है 760 तक, ठीक है, तो 810 इसका लेवल हो सकता है। तो मैंने थोड़ा सा वीडियो पॉज कर लेता हूँ,
कोटक बैंक देखिए ये 1846 ये 1818-1819 तक गया था। एक्सिस बैंक अभी तक भाग नहीं पाया, देखते हैं। और सिल्वर थोड़ा सा अपसाइड में चला गया है, देखना पड़ेगा फिर से ये नीचे आता है कि अपसाइड में जा रहा है। और हीरो मोटो का तो सेम जगह में देखिए 2953-2954 इसमें ही चल रहा है, ये ज़्यादा ऊपर नहीं जा पा रहा है। बच्चा बजाज फिनांस का एक बार देखते हैं। बजाज फिनांस का कहाँ पर गया, बजाज तो बजाज फिनांस 636 भी ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाया, देखते हैं। मैंने वीडियो पॉज कर लेता हूँ, फिर से आप लोग को दिखाऊंगा। मैंने भाई से एक्सेल शीट के लेवल दिखाने के लिए भूल गया था, देखिए 29608 से इसके ऊपर जाने का प्रॉबिलिटी था। उसके बाद 29706-785 बैंक निफ्टी और निफ्टी 12901 के ऊपर 12921-938 ठीक है, इसके बाद 12954 और नीचे का जो लेवल्स है नीचे आने के लिए इसका 12834 का नीचे निफ्टी और 29293 से बैंक निफ्टी ठीक है। और क्या क्या लेवल दिखाया, HDFC बैंक, हीरो मोटो को देखते हैं, बजाज फिनांस, हीरो मोटो, HDFC बैंक का तो 1410 के ऊपर 1414 गया, 1418 तक ये गया था ठीक है, इसके ऊपर 1421 तक जाने का प्रोबेबिलिटी बनता है। और नीचे का इसका आने के लिए 1394 का नीचे आने का प्रोबेबिलिटी 1300 अच्छा, हीरो मोटो 2977, मैंने 2970 बोला है चार्ट से ठीक है, 2977 के ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी बनता है। और 2939 का नीचे ये नीचे आ सकता है, मैंने चार्ट से 2943 दिखाया है ठीक है। और इधर से कोटक बैंक का 1845 के ऊपर ही ये ऊपर जा पाएगा, 50 थे मैंने 1842 के से बोला था, ये 1851 तक जाने का प्रोबेबिलिटी बनता है, 1853 इधर दिखा रहा है। कुछ भी देख सकते हैं आप लोग, कोई भी स्क्रिप्ट सुबह से दिखाऊंगा तो और भी अच्छा देखने के लिए मिलेगा, फिर भी देखता है। अभी तो 2 बजा है, अभी मार्केट में कुछ बड़ा मूवमेंट भी हो सकता है, बड़ा मूवमेंट आ जाएगा तो नहीं, लेकिन साइडवेज मूवमेंट चलेगा तो ऐसे ही दिखेगा। मैंने थोड़ा सा पॉज कर लेता हूँ, इसके बाद आप लोग को फिर से दिखाऊंगा। PVR को देखिए 1302 का ऊपर, ये 1302.50 के ऊपर ठीक है, 50 के ऊपर जब जाएगा तो ये ऊपर जा सकता है, 1306.60 इसके ऊपर, 1314 तक ये जा सकता है PVR ठीक है। नीचे 1294 के नीचे 1285 तक आ सकता है। टाइटन को देखते हैं, टाइटन टाइटन का 1267 का नीचे ये नीचे जाएगा और 1275 का 92 मतलब 1276 ही पकड़िए, 1276 के ऊपर जाएगा। अभी निफ्टी बैंक निफ्टी का चल रहा है 922 वही, थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट चल रहा है, देखना पड़ेगा ये रिवर्सल आएगा या अपसाइड में जाएगा। इधर भी जो मैंने सेटअप बना के जीरोधा का प्लेटफॉर्म पे और ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म पे ये भी अच्छा व्यू देता है। इधर देखिए
ये आप साइड में देख रहा है, इधर 927 का, ये देखिए इधर से मैंने बोला था 907 के ऊपर, ये ऊपर गया था 928 तक, चला गया 940-41 तक गया था ये, और इसका अभी 964 तक जाने का भी बनता है, 964-664 तक जाने का प्रोबेबिलिटी अभी भी है इसका। और बैंक निफ्टी का अभी थोड़ा सा नीचे कंसोलिडेशन हो रहा है, नीचे बैंक निफ्टी का अभी से जब ये 853 तक जाने का प्रोबेबिलिटी बनता है। ठीक है, मैंने पॉज करता हूँ, बाद में कुछ डेवलप करेंगे तो फिर से दिखा। BPCL को देखिए 382 के ऊपर 384 चल रहा है। ठीक है, 384 में ये रेजिस्टेंस ले रहा है, ये 384-386 तक ये जा सकता है अप साइड में 382 के ऊपर। और निफ्टी तो फिलहाल फिर से ऊपर जाएगा तो 960-64 तक जाएगा, 942-40 तक क्रॉस करेगा, 660-70 तक जा सकता है। बैंक निफ्टी 825 तक पहले जा सकता है अपसाइड में जाएगा तो, अपसाइड का मोमेंटम दिख रहा है। और देखते हैं 72 का लेवल बताया था 476 के ऊपर, ये अभी 477 तक आया है, जाएगा थोड़ा सा ऊपर ये 477-478 या 480 तक ये जा सकता है। टाइटन का लेवल आया नहीं है, और HDFC बैंक और कोटक बैंक थोड़ा सा ऊपर तो गया था 1800-1839 तक गया था, ये गया था 1446 तक 42 से। स्टॉक्स ज़्यादा मतलब रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है बैंक निफ्टी के साथ। बैंक निफ्टी का स्टॉक्स कुछ बैंकिंग का स्टॉक्स कुछ मूवमेंट हो रहा है, लेकिन और भी जो स्टॉक्स है के हिसाब से नहीं मूवमेंट हो रहा है। हीरो मोटो 2970 के ऊपर ये ऊपर जा सकता है। PBR 1302 के ऊपर 1306 बता रहा था मैंने, 1305 चल रहा है, आ सकता है 1306 भी आ जाएगा, उसके ऊपर 1314 जा सकता है। वीडियो बड़ा हो जा रहा है, मैंने थोड़ा सा पॉज कर लेता हूँ। निफ्टी अभी 12,945 के ऊपर जाने जाएगा तो ये 970 तक आ सकता है। ठीक है, इसका ऊपर 982 तक जा सकता है। और बैंक निफ्टी का जो लेवल फिलहाल दिखा रहा है साइडवेज ही मूवमेंट चलेगा, मैंने वीडियो ख़त्म कर दूंगा, जो लेवल जो आएगा तो दिखा दूंगा। बैंक निफ्टी 12,770 के ऊपर जा सकते हैं जाएगा तो 870-871 उसके ऊपर 937 उसके ऊपर 30,000 तक ये जाने का प्रोबेबिलिटी बनेगा। देखते हैं, ऑलरेडी बहुत ही रैली हो चुका है, हो सकता है अभी ये साइडवेज मूवमेंट ही चलेगा इसका। PBR देखिए अभी ये 77-78 से मैंने बोल रहा था, अभी 1297 चल रहा है। ठीक है, और टाइटन 75-76 से बोल रहा था, अभी ये 80 टच किया था। और इधर HDFC बैंक कोटक बैंक थोड़ा सा नीचे ही चल रहा है, ये अपसाइड में गया था। ये देखिए निफ्टी 946-47 अभी चल रहा है,
942 के ऊपर, ये देखता है कितना दूर तक जा सकता है। और हीरो मोटो का क्या हुआ, बजाज फिनांस को एक बार देखते हैं। बजाज फिनांस कहाँ, 45, इसका अभी तक बाइक लेवल आया नहीं है। देखिए निफ्टी 950 हुआ है, 960-65 तक इसका आने का प्रोबेबिलिटी बनता है, इसका देखना पड़ेगा। 960 के ऊपर 965-970 तक जाने का प्रोबेबिलिटी बनता है, ऐसा नहीं है कि लास्ट मोमेंट में पूरा जाएगा। और बैंक निफ्टी भी 800 का ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी बनता है, 760-762 चल रहा है। और इधर से होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगेगा और स्ट्रैटेजी भी समझ में आएगा कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करता है। HDFC बैंक कोटक बैंक जितना दूर तक जाने का था वो चला गया, फिर से ये 800 का ऊपर जाएगा तो बैंक निफ्टी तो ऊपर जा सकता है। रादर ये बोलना चाहिए एक्चुअली कि HDFC बैंक कोटक बैंक ऊपर जाएगा तो बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा। और निफ्टी ऊपर जाएगा तो बैंक निफ्टी भी ऊपर जा सकता है। रिलायंस का क्या पोजीशन है, रिलायंस तो नीचे ही चल रहा है। देखता हूँ कुछ जाएगा तो आप लोग को दिखाऊंगा। 952 तक ये गया है। हीरो मोटा का देखिए 2970 के ऊपर मैंने लेवल दिखाया था, अभी 2982 चल रहा है। निफ्टी 957 चल रहा है, ठीक है। और बैंक निफ्टी 765, ये 660 के ऊपर 660 तक इसका ये लेवल तक इसका आने का प्रोबेबिलिटी बनता है, 660-670 तक या 70 तक। तो अब आप लोग को ये चार्ट समझ में आ रहा है कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस और मोमेंटम मूविंग एवरेज, अभी बहुत सारा चीज़ है इसमें, ये चैनल है और प्राइस चैनल भी है। देखिए 961 मध्य है, 961 मध्य ये 660 इसका आसपास आने का प्रोबेबिलिटी बनता है इसका। और इसका बैंक निफ्टी का 770 के ऊपर 825 तक जाने का प्रोबेबिलिटी बनता है इसका। ये ऑलमोस्ट 965 टच कर लिया है, इधर से आप लोग देख सकते हैं ये 965.80 गया है, मतलब ऑलमोस्ट इसका लेवल का ये इतना लेवल तक इसका आ चुका है। ये आप लोग देख सकते हैं 965 का लेवल तक इसका आ चुका है, 967-768 ये आ सकता है इसका, मतलब इधर से इसका आसपास आ गया है। बैंक निफ्टी इसका ऊपर भाग नहीं पाया ज़्यादा दूर तक, क्योंकि HDFC बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक ये सब नीचे ही आ गया है। जब जितना दूर तक जाने का था पहले, ये 1418 तक गया था HDFC बैंक, कोटक बैंक भी गया था 1846 तक, ये अभी थोड़ा सा नीचे आ गया तो इसीलिए बैंक निफ्टी ऊपर नहीं जा पा रहा है। ये 790 के ऊपर जाएगा तो ये फिर से ऊपर जा सकता है, लेकिन ऐसा होना थोड़ा सा मुश्किल है अभी। तो दोस्तों वीडियो अच्छा, आप लोग जो कमेंट द्वारा ज़रूर बताइए आप लोग को कैसा लग रहा है, आप लोग का कमेंट बताइए। और आप लोग को कुछ क्लारिफिकेशन चाहिए तो वो भी आप लोग बता सकता है।
और ये स्ट्रेटजी आप लोग को कैसा लग रहा है, इसमें और भी कुछ इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, या आप लोग का क्या स्ट्रेटजी है वो आप लोग बता सकता है। इसके ऊपर और भी कुछ मतलब क्या होने से अच्छा होता है था और भी अच्छी तरह से समझ में आप लोग को आता था, तो वो आप लोग कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा मेरे को। और आप लोग का स्ट्रेटजी भी इससे जो कुछ आप लोग को आए तो आप लोग भी मेरे को बता सकता है। धन्यवाद।